नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो रिकॉर्ड है वो छुप नहीं सकता है, उनको जवाब देना पड़ेगा। जो हर गांव में, हर गांव में कब्रिस्तान है, उनको जवाब देना है। ये बच्चे क्यों वहां हैं? ये गोली खाकर वहां क्यों हैं? ये जो 87 के चोर जिन्होंने लोग साहब को चोरी की, हर कश्मीरी को चोरी की 87 में, जिसके बाद बंदूक आया और 1,00,000 लोग इस वक्त कब्रों में, लेकिन शर्म बा खुदा इनको नहीं आती। और मैं आपको एक वादा दिलाता हूं, याद रखना, जब तक मैं इंशाल्लाह जिंदा हूं, मरने से पहले इनको इसका हिसाब लेकर आऊंगा इंशाल्लाह। हर खून का कतरा जो उन्होंने बहाया है, हर उस बेगुनाह का खून का कतरा जो उन्होंने बहाया है, हर वो बेगुनाह जिसको इन्होंने जेल भेजा, हर वो बेगुनाह जिसको इन्होंने सेफ्टी एट के अंदर किया, हर वो बेगुनाह जिसको शायद नौकरी लगती लेकिन सियासी जिद की वजह से उन्हें लगने नहीं दिया, मैं वादाबद्ध हूं बाखुदा एक एक का हिसाब इनसे लूंगा, एक एक का हिसाब। बड़ी बातें करते हैं, अरे मैं आपको बता कोई चीज, अच्छा कल देखिए, कल मैं बैठा हूं तो 1975 से आज तक 10 पार्लियामेंट गए हैं नॉर्थ कश्मीर, 9 नेशनल कॉन्फ्रेंस से गए। हो सकता है हमें जिद हो सकता है हम झूठ बोलते हो, वो ही बताए कि पिछले 10 साल में डेवलपमेंट में उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, या जो मुश्किलात कश्मीरियों को थी पिछले 30 साल में उसमें उन्होंने क्या किया। सिर्फ तंकी, इनको पूछो नाम क्या है, और जिनाब वो मिला हुआ है, वो एजेंसी वाला है, भैया आप रहते कहां हो? मुझे फक्र था मैंने वाजपेयी साहब के साथ काम किया, और अगर वो जिंदा होते मैं आज भी करता। तो क्या फर्क है मोदी जी और वाजपेयी जी में? वाजपेयी जी ने बोला पार्लियामेंट में, बोला कि मेरे पास अगर अक्सरियत होती तो मैं 370 खत्म कर देता, इंटरनेट आर्मी के रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर दिया। मतलब यह है कि इनका प्रॉब्लम बीजेपी से नहीं है, इनका प्रॉब्लम हिंदुत्ववाद से नहीं है, इनको यह है कि शायद मोदी जी घास कम डालते हैं, कल योगी जी आ जाए वो घास डाल दे, ये उनके गांव में बैठ जाएंगे। और आज जब इनको पता है कि लोगों का सैलाब इंशाल्लाह पीपुल्स का रूल्स को पहली बार पार्लियामेंट लाएगा, तो ये रोज रोज हर दिन एक इल्जाम फिर दूसरा इल्जाम। मुझे याद है जब मेरे फादर जेल में थे, जब हम उनको मिलने जोधपुर जेल जाते थे, जब मैं जेल में था तब फारूक अब्दुल्ला कहाँ था? तब फारूक अब्दुल्ला जेनीवा जाता था और बोलता था जो वहां तो कोई जेल में है ही नहीं, वहां तो सब हालात ठीक है। जब हम टारगेट खा रहे थे तब ये कहां थे? कश्मीर में पिछले 30 साल में 2 किस्म के आदमी, एक जो ने मार खाई, जो जेल गए, जो मर गए बेचारे, जो कब्रिस्तानों में दफन है, जिनको सेफ्टी एक्ट लगा, जिनकी टांगे टूट गई, जिनके बाजू टूट गए, जो बेवा हो गई, जो यतीम हो गया, ये 99% लोग, और मुश्किल से आधा % लोग वो जिनने जेल भेजा, जिनने मार दिया, जिनने गोली चलाने का ऑर्डर दिया। आप बताओ नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले किसमें थे? ये उमर अब्दुल्ला क्या मरने वालों में था, क्या जेल जाने वालों में था, या उनमें था जिन्होंने जिनके ऑर्डर पर लोगों को सेफ्टी एक्ट लगाया गया, गोलियों से भून दिया गया, इनके हाथ खून से रंगे हैं। अल्लाह का लाख करम है हम उस 99% में है, उनके साथ हम थे जब हमारी कौम पर इज्जतें हो रही कि जो कानून आपने पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के लिए रखे हैं वही तो कश्मीर के बच्चों के लिए भी हो। सबसे बड़ा ये जो पुलिस वेरिफिकेशन का मामला है, पूरे हिंदुस्तान में, गुजरात में, दिल्ली में, तमिलनाडु में जब पुलिस वेरिफिकेशन होती है तो फर्क की होती है कि या क्या ये बंदा ठीक Thank you.
बगे बोलो कभी रहो आगे चलो ये तक सुनो खाली क्यों तरह